ब्रिटेन और जर्मनी के बीच एंग्लो जर्मन नेवल एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें कुछ कंडीशंस के साथ ब्रिटेन जर्मनी को यह छूट दे देता है कि वो अपनी नेवी डेवलप कर सकता है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल के शर्तों के अनुसार जर्मनी को राइनलैंड में अपनी मिलिट्री रखने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन हिटलर ने ईयर 1936 में यहाँ आर्मी और एयरफोर्स दोनों को ही तैनात कर दिया और फ्रांस और ब्रिटेन दोनों चुपचाप देखते रहे। उन्होंने हिटलर को कुछ नहीं कहा। इसके बाद जर्मनी और इटली के बीच एक समझौता हुआ जिसे रोम बर्लिन एक्सिस के नाम से जाना जाता है। इसमें रोम इटली का कैपिटल और बर्लिन जर्मनी का कैपिटल है और इस एक्सिस नाम के कारण ही इस ग्रुप को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर कहा गया। फिर जर्मनी ने जापान के साथ भी कुछ ऐसा ही समझौता किया जिसका नाम जर्मनी जापान पैक्ट था।